नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। दर्शकों, आज रॉयल बुलेटिन का सफर आ पहुंचा है थाना भवन में। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से विधायक है सुरेश राणा, जो कि गन्ना मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आपको मैं बता दूं, 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं, कुछ ही समय बचा है चुनाव में, लगातार रॉयल बुलेटिन भी हर गली, हर मोहल्ला, हर विधानसभा में जाकर आपको लोगों की राय और नजरें बता रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद से बातचीत करूँगा, जो इनके विधायक हैं, अपनी विधानसभा में क्या विकास कार्य करा पाए हैं, कितने सफल रहे इनके विधायक। जी, क्या नाम है आपका? सऊद राणा। क्या करते हैं जी आप? मेरा कारोबारी है, मावे का है। मावे का कारोबार। 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, आपके अनुसार कैसा रहा सब कुछ भाजपा में? नहीं, भाजपा में बढ़िया रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही। स्कूल कॉलेज मंत्री जी ने कराई दिए, मंत्री जी की छवि यहाँ अच्छी है। और देखो, बाकी टिकट आने के ऊपर बात है, टिकट किस किस का हो उसके बाद में ज्यादा जानकारी होगी। विकास कार्य सही कराया है क्षेत्र में? सही कराया, सही कराया। तो हाँ। चुनाव नजदीक है, क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार? फिलहाल तो कैंडिडेट आने के बाद ही पता लगेगा। सही, कैंडिडेट आने के बाद? हाँ, सब पार्टियों के कैंडिडेट आ जाएंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। सही, ठीक। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फतेह मोहम्मद, गाँव सोनता रसूलपुर है। विधायक जी ने कुछ विकास कार्य कराए हैं? नहीं कराए, बहुत बढ़िया कराए हमारे गाँव में, तो खूब बढ़िया कराया। मुसलमान राजपूतों का गांव है। अरे भाई, हम तो रहेंगे उसी के साथ, हमारे बारे इसका टिकट होता नहीं, हम लोग रहना ही उसके साथ है। भाजपा कैसी रही 5 साल में? बढ़िया रही, खूब बढ़िया रही। हमारे यहाँ तो पूरे एरिया में भाजपा का इतना बढ़िया हिसाब रहा, सबसे बढ़िया इसका रहा। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, दंगा नहीं, कोई वैसी कैसी मीटिंग नहीं, बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा है, बढ़िया वाला रहा। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है जी आपका? मुबस्सिर राव। क्या लगता है चुनाव इस बार किन मुद्दों पर होना चाहिए? विकास के मुद्दे पर होगा चुनाव। तो विकास कौन कर पाया है अभी तक? सुरेश राणा ने विकास किया है। विकास किया है 5 साल। अगर मैं भाजपा की बात करूं, प्रदेश भाजपा को छोड़ दो, हम मंत्री जी के यहाँ लोकल की बात करो आप, बहुत अच्छा विकास करा, बहुत अच्छा काम करा। चुनाव नजदीक है तो क्या होना चाहिए फिर इस बार? बीजेपी सुरेश राणा को होना चाहिए। वैसे भाजपा प्रदेश में आ पाएगी नहीं आ पाएगी आपके अनुसार? वो प्रदेश का नहीं पता, हम तो यहाँ का लोकल, हम तो लोकल की बात करते हैं। बहुत अच्छा रहे हुए क्षेत्रों में विकास हुआ जी। आशीष गोयल। आशीष जी, क्या लगता है, व्यापारी हैं, क्या करते हैं? व्यापारी हैं। 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, कैसा रहा कार्यकाल आपके अनुसार? बहुत बढ़िया, आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जैसी योगी जी की सरकार रही। सुरेश राणा जी ने बहुत काम किया थाना भवन के लिए, और दोबारा आएंगे, 300+ सीट लेकर आ रहे हैं। 300+ सीट लेकर आएंगे, पर क्यों, क्या कारण है? क्या महिलाओं को सुरक्षा दी गई है, गरीबों का ध्यान करा गया है, ना कोई बड़ा दंगा हुआ है। सांप्रदायिक दंगे जो अखिलेश के राज में होते थे, वे भी नहीं हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। कहाँ हुए हैं बताइए आप? सही चल रहा है फिर? सब बहुत बढ़िया एकदम। क्या नाम है जी आपका? राम कुमार कश्यप खावड़ी। राम कुमार जी, क्या लगता है क्या होना चाहिए चुनाव में? चुनाव भाजपा आनी चाहिए भाई। मैं भाजपा क्यों आनी चाहिए, कारण? काम अच्छे कर रही। अच्छा, और कोई पार्टी इतना काम नहीं करती? कोई नहीं, किसी ने भी नहीं किया। क्या नाम है सर आपका? कुशल। कुशल, कुशल जी, क्या लगता है क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए जी, जो 2017 में हुआ था, 2022 में भी यही होना चाहिए जी। 2017 में क्या हुआ था? योगी की सरकार आई थी, भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। सरकार आई थी, आएगी, अब आई थी और आएगी। आएगी क्यों आएगी भाई? उन्होंने दो चार, मतलब कि बहुत सारे कार्य ऐसे किए कि जो किसी और सरकारों ने नहीं किए, जैसे पूरा प्रदेश गुंडा मुक्त प्रदेश हो गया है, इस तरह महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है। आज हम सब दुकानदार बाजार में, यहाँ व्यापारी वर्ग है, किसी तरह बैठे रहो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दंगा नहीं। पहले क्या माहौल रहता था? पहले थोड़ा सा यानी कि झगड़े का माहौल रहता था, या फिर या मतलब कि गुंडागर्दी थी, कोई सुनवाई नहीं थी, इस यही सब बात। विधायक जी कैसे रहे वैसे? विधायक जी ठीक है, जो ऊपर से योजनाएं हैं उन्हें यहाँ क्रियान्वयन किया गया है, उस हिसाब से सही है। क्या नाम है सर आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, क्या लगता है भाजपा कैसी रही है 5 साल? भाजपा बढ़िया थी, बढ़िया ही रहेगी भाजपा। अच्छा, इससे बढ़िया कोई सरकार ना तो थी ना है। सबसे मेन मुद्दा होता है सुरक्षा का। सुरक्षा आप देख ही रहे हो कितनी बढ़िया सुरक्षा है। अगर सुरक्षा है ना, आदमी सुरक्षित है तो काम काज तो खुद ही कर लेता है। आदमी का सुरक्षित होना सबसे जरूरी है। तो इस सरकार में आदमी सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित, 100%। अच्छा, पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं था? आप तो बताइए, आपको भी और हमें पता है अखिलेश में क्या था? क्या था? बिल्कुल गुंडाराज था। अच्छा, गुंडाराज था। हाँ, क्या माहौल था उस समय यहाँ का? आपको पता ही है माहौल, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। पहली बार आया हूँ ना थाना भवन, तो यहाँ का माहौल पूछ रहा हूँ, यहाँ का माहौल। भाई सड़क पे कोई जा रहा है तो पर्स वर्स बाइक वाइक सब छीन लेते थे लोग। सब छीन लेते थे, तो भाजपा सही रहेगी आप? अब तो रात को 12 बजे पैदल जाओ ना तो भी कोई डर नहीं है। क्या नाम है आपका? अनमोल मित्तल। अनमोल जी, क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार? भाजपा आएगी जी, खुल के
सीधी 300 सीट आएगी। अच्छा हाँ, क्यों आएगी, क्या आएगी, मतलब कारण तो बताइए क्यों? कारण क्या, काम अच्छे कर रही गरीब, किसने काम नहीं अच्छे कर ना करा, नहीं अखिलेश के मैं देख लो क्या करा अखिलेश ने, युवा है लड़का, क्या करा अखिलेश, अखिलेश ने क्या करा, हरदैन चोरी हो रही थी, दंगा करवाया वहाँ पे, बस भाजपा आएगी जब तो। क्या नाम है आपका? अभिषेक राणा। अभिषेक जी, क्या लगता है चुनाव में इस बार क्या होगा आपके अनुसार? देखिए, मैं जात पात की तो बात नहीं करता, और जो चुनाव होना चाहिए वो मुद्दों पर ही होना चाहिए, मुद्दों पर होना। हाँ जी, हमारे थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी सुरेश राणा जी जब से आए इस पश्चिम क्षेत्र में, इस क्षेत्र को पहली बार मंत्री मिला, किरण पाल कश्यप जी थे, वो बहुत टाइम पहले थे 2002 में, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मंत्री मिला, और 3000 करोड़ का जो ये सर्वे है जो नेशनल चूज का, 3000 करोड़ का विकास थाना भवन विधानसभा में हुआ, राजकीय इंटर कॉलेज, हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस जिले में बनता है, लेकिन हमारे थाना भवन विधानसभा में गेस्ट हाउस बना, और सबसे बड़ी होती है सुरक्षा और युवाओं को तो शिक्षा, उसके लिए यहाँ 5 राजकीय इंटर कॉलेज भी आए और महाविद्यालय भी आएगा। सुरक्षा इतनी है जी, किसी भी 36 बिरादरी का भाई कहीं भी चले जाए 24 घंटे रात दिन फुल सुरक्षा है जी, फुल सुरक्षा है। हाँ, युवा है, युवाओं के अनुसार क्या होना चाहिए इस बार, क्या होगा? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि यही सरकार रहनी चाहिए, यही सरकार रहनी। हाँ जी, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तो ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल जी, कह रहे हैं विधायक जी ने बहुत विकास कराया है। बढ़िया विकास कर रहा जी, मजा आ रहा। क्षेत्र में आते हैं कभी? रोज ही, यहाँ तो रोज ही रहे, रोज रहते हैं। हाँ, रोज ही रहे। क्या लगता है चुनाव नजदीक है, क्या होना चाहिए इस बार? बस बीजेपी की सरकार बढ़िया, बीजेपी की सरकार बढ़िया, बहुत बढ़िया सरकार है, ऐसी ना तो कभी जिंदगी में आई ना होगी। और में क्या दिक्कत है फिर? और में गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी किसमें है? गुंडागर्दी सब आम जनता पे है, कोई किसी को लूट रहा था अखिलेश सरकार में, कोई किसी को लूट रहा था, लूटपाट थी, लूटपाट थी अखिलेश सरकार में। और मायावती सरकार में क्या हुआ था? वो तो नुकैदी तिलक तराजू और तनवार इनका मारो जितते चार। ठीक है, क्या नाम है आपका? शाकिर। शाकिर, शाकिर जी क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ जी, गाड़ी चला रहा हूँ। क्या लगता है चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार? अब कह दो जी, हमारे यहाँ से जो है नहीं गठबंधन को होगा। गठबंधन को क्यों होगा भाई जी? उनकी बढ़िया है जी कामकाज उनके। महंगाई देखो कितनी हो रही, महंगाई, गैस सिलेंडर देखो कहाँ जा रहा है भाई साहब। हाँ जी, गठबंधन को होगा यहाँ से अखिलेश आजाद, अखिलेश जी को क्यों भी जी? अब क्या गठबंधन ही जीतेगा, गठबंधन जीतेगा, गठबंधन क्यों जीतेगा ऐसा? भाई जी, यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें, इसलिए जीतेंगे। पसंद होना बात नहीं है, बात विकास की बात है। विकास विकास हो जाएगा जी, जब आ जाएंगे विकास भी होगा, विकास हो जाएगा जब आएंगे। हाँ जी, मैं बता दूँ, सपा सरकार में जो ये आप हाईवे है, मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन पर्सन को आप दिखाइए, जो ये हाईवे है जी, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में, मैं मुद्दों की बात कर रहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में फाइल में बन के चला गया था, और इसका पैसा भी आ गया था, वो जो बराबर में पेड़ थे जी समाजवादी पार्टी की सरकार में, 400-500 करोड़ के आसपास थे जी, सामने से हमारे सहारनपुर तक के, वो भी बेच दिए थे जी अधिकारियों ने, उस पर अब जांच चली जब भाजपा की सरकार आई। अभी हाईवे देख लो, अभी इसमें तो 50% ही काम हुआ, ये बिल्कुल जमाएगा, ये बहुत बड़ी सौगात है हाईवे की। हमने तो आज तक अपने क्षेत्र में हाईवे का जी सड़क में खड्डों में सड़क ढूंढा कर रहे थे जी, ये बहुत अच्छा हाईवे बना, और एक अभी सुकरताल से करनाल के बनेगा, और बाईपास भी है जी, जाम से भी मुक्ति मिलेगी जी और सुरक्षा भी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? खालिद। खालिद, क्या लगता है चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार आपके अनुसार? अखिलेश यादव आना चाहिए जी। जी अखिलेश जी क्यों आने चाहिए? बढ़िया काम है जी उनका, बढ़िया है काम सारा, बढ़िया काम है जी। भाजपा में क्या दिक्कत है? काम तो ये भी कभी बता रहे हैं भाई, ये हाईवे की बात बता रहे हैं। अच्छी महंगाई तो देख लो कितनी, महंगाई कितनी महंगाई है ना, देख लो किसी चीज का भी, किसी चीज का भी हाईवे बने, दो टोल लग रहे, हाईवे ही बन गया, जो एक बड़ोत में लग रहा है, एक जल्लाबाद पार करते ही लग रहा, तो पैसे भी तो दे रहे। रोड पे क्या हुआ हाईवे का फायदा क्या है? 200 रुपए रसीद कटो, 250 रुपए क्या फायदा हुआ? इस तो बढ़िया खड्डे थे बड़े। हाँ जी, गड्ढे बढ़िया थे आपके अनुसार? और गड्ढे बढ़िया थे। देखो, सरकार किसी की भी हो, काम तो जो है नहीं सभी कराने, ठीक है, तो अपनी मनमर्जी की बात है, कोई किसी को भी दे लो वोट। जरीफ अहमद सिद्दीकी। क्या लगता है भाजपा को 5 साल में कैसी रही? भाजपा ने विकास के रास्ते से लोगों को भटका के, विकास की बात नहीं करती, ये धर्म जाति की बात करती है, झूठी अफवाह फैलाती है, झूठे ढोंग बनाती है, एक थिएटर बना दिया जनता का। जब से ये सरकार आई, इस देश के अंदर हर एक नागरिक को लाइन में लगा दिया, कभी नोटबंदी के लाइन में, कभी आधार कार्ड के। इनके जो सरपरस्त हैं मोदी जी, मुझे लगता है
उनकी सब झूठी फ्रॉड बात है, फ्रॉड बात है, उनका कोई वास्तविक काम नहीं है। विधायक जी कैसे रहे वैसे? विधायक जी अपनी जगह ठीक रहे, विधायक जी ने क्षेत्र में हाँ अपना काम किया, लेकिन अपवाद से विधायक जी भी नहीं माने। कैसा अपवाद, क्या अपवाद? भाई धर्म की बात करते हैं, रोजगार की कोई बात नहीं, रोजगार की बात नहीं करते, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, विकास की बात भी नहीं, कभी हिंदू मुसलमान की बात है, कभी मंदिर मस्जिद की बात है, कभी इधर उधर की बात है, खाली अफवाह है। चुनाव नजदीक है, क्या होना चाहिए इस बार? चुनाव नजदीक है, जनता ने मूड बना लिया, इस सरकार से किसान भी परेशान है, अदर लोग भी परेशान है, तो मूड किसका बना है? बदलाव की स्थिति है, और पूछो कुल मिला के ये अखिलेश जी विधानसभा पहुंचने वाले हैं, लखनऊ की कुर्सी पर अखिलेश जी बैठेंगे। क्यों पहुंचने वाले हैं? 11 पार्टियों का गठबंधन हो चुका, और ये अपने परिवार को भाजपा नहीं संभाल पा रही, तो पब्लिक को कहां से संभालेगी? आज आप देख रहे हैं अखिलेश जी क्यों? अखिलेश जी इसलिए है, अखिलेश जी का जिस वक्त राज आया था तो अखिलेश जी का खुला काम आपको नजर नहीं आ रहा? अगर आप देख रहे 108 नंबर है, बीमार हुआ तुरंत दबाओ तुरंत गाड़ी, आप देख रहे अगर पुलिस की कहीं जरूरत पड़ी 100 नंबर दबाओ तुरंत कंट्रोल। अखिलेश जी ने हाईवे बनवाए, अखिलेश जी ने अस्पताल बनवाए, अखिलेश जी ने जनता की सुरक्षा की, तो इसलिए अखिलेश और फिर अखिलेश के साथ हर धर्म हर जाति के लोग जुड़े हुए हैं, इनके साथ कौन है? ये समझते हैं इस देश के अंदर एक को हटाओ दूसरे को लगाओ, कभी 80% 20% बताते हैं, और कभी ये लोग धर्म की धर्म पर लाते हैं। धर्म की राजनीति होती है आपके अनुसार? हाँ। विकास की नहीं। क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह। जगपाल जी भाजपा को 5 साल प्रदेश में हो गए हैं, जी जी। आप व्यापारी हैं, आपके अनुसार कैसा रहा सब कुछ? सुरक्षा के हिसाब से तो बढ़िया रहा जी, किसान के हिसाब से ठीक नहीं। किसान के हिसाब से क्या खराबी रही है भाई? टाइम पर पेमेंट नहीं आ रहा गन्ने का पेमेंट टाइम पर नहीं आ रहा है ना जी। आपके क्षेत्र का गन्ना मंत्री है भाई, मंत्री जी के आग्रह जी बाजार मिल नहीं देता। मंत्री जी के गन्ना मंत्री होने का फायदा क्या है फिर आपके क्षेत्र के भाई? सुरक्षा का बहुत बड़ा फायदा हुआ, सुरक्षा का फायदा हुआ बहुत बड़ा, बहुत चीजों में किसानों के अनुसार और कोई फायदा नहीं। क्या लगता है चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार? भाई हम तो इसमें कुछ कह नहीं सकते भाई, सुरक्षा के हिसाब से तो भाजपा बढ़िया, और भाई किसानों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो फिर कौन है किसानों के हिसाब से सही? नू क्या पता जी किसी का, किस पे विश्वास करे जा। आपने सरकार तो बहुत देखी होंगी। अजी देखी तो नहीं, तो भाजपा के नु कहते हैं कि हम यू करेंगे वो करेंगे या कुछ भी नहीं। इससे पहले सपा थी वो कैसी थी, मायावती जी वो कैसी थी, कांग्रेस? मायावती ने बहुत अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया करा किसानों के लिए। आखिरी 2 साल तो रोक काट दिए मायावती का, तो बढ़िया रहा जी। सपा का भी इतना बढ़िया रहा कि टाइम पर पैसा दुआ दिया, पर उसमें गुंडागर्दी बढ़ी। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद नजम। क्या लगता है चुनाव इस बार किन मुद्दों पर होना चाहिए, कौन मुद्दों पर खरा उतरेगा? जो भी जनता चाहे। जोर से बोलो। आप क्या चाहते हैं? जो जनता चाहे। जनता तो कह रही है योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ जाए। क्यों, मतलब आपकी उम्र कितनी हो गई वैसे? 44 साल। 44 साल में सरकार गई होंगी आई होंगी, बहुत सरकार देखी होंगी आपने जी। अभी तक कौन बेहतर कार्य कर पाई आपके अनुसार? अपने अनुसार सभी सरकार जैसा वक्त था वैसा ही काम करती चली आई। ये 5 साल का वक्त कैसा रहा? ठीक रहा। क्या नाम है सर आपका? सुरेश चंद। सुरेश चंद जी क्या करते हैं आप? मैं एक किसान हूँ। किसान हैं आप। भाजपा को 5 साल प्रदेश में हो गए, किसानों के लिए मैं बात करूँ तो क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए, कैसी रही है? किसानों के लिए तो दो ही बात है भाई, तीनों कानून थे मैं वापस ले लिया, ठीक है। उससे पहले दिक्कत थी। मिल की पेमेंट कैसी रही है? वो बिल्कुल गंदी चल रही है मिल की पेमेंट। आपके क्षेत्र के गन्ना मंत्री हैं, कभी शिकायत करी है मिल की पेमेंट के बारे में? कुछ कहा तो बहुत बार, लेकिन सिस्टम जो ऐसा उनका चल रहा है वो इसी तरह से चला रहे हैं। समझ में नहीं आया सिस्टम, मजा नहीं आया किसानों के लिए, पेमेंट के लिए कोई मजा नहीं आया। क्या लगता है चुनाव में क्या होना चाहिए फिर इस बार? बस ये है कि किसानों का जो है ये जो है इनका पेमेंट समय पे मिलता रहा, सही है बस, सब ठीक है वैसे कोई समस्या नहीं है, बस पेमेंट की समस्या है, पेमेंट मिल जाए तो सही रहेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तुषार कांदोल। तुषार जी युवा हैं आप, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार, क्या मांगे हैं युवाओं की? देखिए वैसे तो वर्तमान हमारे यहाँ विधायक जी हैं और गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी ने कार्य बहुत कराए, विकास कार्य काफ़ी हुए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वर्तमान की
जैसे गन्ना पेमिट, जिससे किसान काफी नाराज है। अगर गन्ना पेमिट अब भी हो जाता तो कहीं ना कहीं किसानों को बैलेंस किया जा सकता था। लेकिन वर्तमान का जो मुद्दा है, हमारे यहाँ शिक्षा का मुद्दा था, शिक्षा के मुद्दे पर काफी काम हुए हैं। हमारे क्षेत्र में 6 राजकीय डिग्री कॉलेज वर्तमान गन्ना मंत्री ने दिए हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। स्वास्थ्य की भी, हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट की केवल एक ऐसी व्यवस्था थाना भवन के अंदर है जहाँ पर 50 व्यक्ति एक साथ वर्तमान की स्थिति में 50 व्यक्ति को एक साथ दाखिल किया जा सकता है, इतनी व्यवस्था। लेकिन रोजगार मेन मुद्दा है, रोजगार का, सरकार रोजगार पे भी काम करेगी, क्योंकि अभी 5 साल ही हैं, आगे का 5 साल का मौका और मिलना चाहिए। आपके अनुसार भाजपा आनी चाहिए? भाजपा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सैनी है। संदीप जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए? युवा हैं आप, किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी ने काम किया है। क्या काम किया है? बहुत काम किया है, गरीबों का बहुत साथ दिया है। हर योजना गरीबों के लिए काट दी है। हर योजना गरीबों के लिए। हाँ जी। विधायक जी कैसे रहे वैसे कभी? विधायक जी बहुत बढ़िया रहे जी, हमारे कस्बे में बहुत काम किया है, बूढ़ा बाबू बनवाया, चौक बाजार बनवाया, कस्बे में हमारे बहुत काम हुए हैं। बहुत काम हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपदेश है जी। उपदेश जी, क्या लगता है चुनाव में इस बार क्या होना चाहिए? राणा जी आएंगे, योगी जी आएंगे हमारे। अच्छा, क्यों आएंगे? विकास किया, बहुत काम किया। बताइए अपने क्षेत्र में विकास बताइए। हाँ जी, विकास तो अलग ही दिख रहा है, विकास ही विकास दिख रहा, दिख नहीं रहा, देख नहीं रहा जब विकास विकास बताइए। हाँ जी, गुंडागर्दी खत्म होगी, सबसे बड़ी बात तो गुंडागर्दी खत्म होगी। और विकास के मामले में सड़के पड़के क्या का विकास हो रहा, बहुत विकास है, कोई समस्या नहीं सरकार में। अजी सरकार तो धुएंधार आवेगी, एक डब्बा आवेगी। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद जी। सुरेश चंद जी, 5 साल हो गए, व्यापारी हैं आप, भाजपा के लिए व्यापारी कैसे रही है? बस व्यापारी तो मतलब सही है जी, भाजपा की सरकार ही सही है। ठीक, कैसे सही है मतलब क्या सही? ये है जी, किसी बात का खौफ नहीं है किसी बात से भी। और नहीं तो दुकानदार हर समय डर रहता, डर में अकबर यू आ लिया, यू आ लिया बस। ये तो बेखौफ सरकार रही, इतने बेखौफ रही है। तो चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार? चुनाव में तो यही होना चाहिए योगी जी। आपका मोहन, भाजपा को 5 साल प्रदेश में हो गए, क्या लगता है कैसा रहा सब कुछ? सब कुछ ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसे बढ़िया है मतलब, कुछ विकास करे हुए नहीं हुए? सब सही, बढ़िया चल रहा सब, बढ़िया चल रहा। चुनाव नजदीक है, क्या होना चाहिए इस बार? यही पास होएगा भाजपा को, और कोई नहीं। भाजपा आ रही है। विधायक जी कैसे रहे वैसे? बढ़िया। आते हैं कभी क्षेत्र में? हाँ, राउंड बात रहते हो तो संडे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिवम सर। शिवम जी, क्या करते हैं आप? चाय का काम। क्या लगता है भाजपा कैसी रहेगी आपके अनुसार? भाजपा एक तरफा और उत्तर प्रदेश में क्यों आएगी? अच्छे काम है राणा जी के, योगी जी के, मोदी जी के अच्छे काम है। क्या अच्छे काम है बताइए? उन्होंने मकान बनवा दिए, मकान बनवा दिए, सारी चीज़ करवा दिया, पैसे दे रहा मोदी, और क्या अनाज दे रहा, 2 महीने में 200 अनाज मिलता है। 200 अनाज जी, योगी जी बेहतर रहेंगे, योगी जी दोबारा आएंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार प्रजापत। कुलदीप जी, क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार? विकास आओगे, विकास जीतेगा, विकास जीतेगा, सिर्फ विकास से योगी आदित्यनाथ सुरेश राणा। अच्छा, बस ओनली, और कुछ नहीं, सबका सोगड़ा साफ है, सिर्फ योगी नाथ के साथ है। तो ये जो अखिलेश मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस, कोई नहीं मेहनत करने का, कोई नहीं मेहनत, सिर्फ योगी आदित्यनाथ। अच्छा, कारण तो बताइए क्यों? कारण विकास, गुंडाराज, इतना भ्रष्टाचार, गरीबों के लिए योजनाएं, नरेंद्र मोदी जी का साथ और सबका विकास। तो आप मानते हैं सबका साथ सबका विकास हुआ? जी, 100% हो रहा, 100%। पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार देखी? अखिलेश, हमने तीनों की सरकार देखी, मायावती की देखी, अखिलेश जी भी देखी, सबकी सरकार देखी। तो हमने लोगों को बता दो कैसी रही? मायावती जी आती है, जिले बनाती है, और उनको कुछ काम रहता ही नहीं। आती है तो जिला, आती है तो जिला, क्या जिले जिले का विकास होगा? तो शामली जिला किसने बनाया था? शामली जिला मायावती ने बनाया था, क्या विकास हुआ हमारा जिला? कुछ भी विकास नहीं। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से विकास हो रहा है, जब से विकास हुआ है। हाँ जी, अखिलेश सरकार में कोई विकास नहीं, सिवा गुंडा कर दिया, कोई विकास नहीं, गुंडा कर दिया। 100% योगी आदित्यनाथ। ठीक है। नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ अहमद। क्या लगता है क्या हुआ भाजपा में? भाजपा और कांग्रेस और कोई भी सरकार हो, जब भी वोटिंग के लिस्ट आती है या वोट डालने के, मतदान देने के वक्त आता है, कोई ना कोई सरकार कोई कुछ ना कुछ वादे करता है, वो तो हर सरकार ऐसा करती ही है। ठीक है। तो कहने वाली बात है, मुद्दा ये है कि जो भी सरकार आवे, एक तो भ्रष्टाचार समाप्त हो, एक जो गरीब हो या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उनके लिए अच्छी व्यवस्था और अच्छा खान पान सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, ऑल द बेस्ट। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, क्या करते हैं आप? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ जी। गाड़ी चलाते जी? जी। कैसा चल रहा है सब कुछ काम धंधा? सारा ही ठप्पड़ा ठप्पड़ा बिल्कुल। कितने साल से ठप्पड़ा?
भाई 5 सालों में ज्यादा ठप हो गया, डेढ़ दो साल तो कोरोना में पिट गए। उससे पहले 2016 में नोटबंदी होगी थी, तो मामला डाउन ही चला फिर पूरा। हाँ पूरा डाउन ही है जी बस। तो क्या होना चाहिए फिर चुनाव में, इस बार चेंजिंग होनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। सरकार में कौन आना चाहिए फिर बदलनी चाहिए? देखो जो रोजगार के मामले में अखिलेश नंबर वन है, रोजगार के मामले में, तो मैं चाहता हूँ कि अखिलेश की सरकार आए। ठीक है, विधायक जी कैसे रहे वैसे? विधायक जी ने हमारा तो हमें तो कुछ दिखा नहीं गया, हमारे किसी रसीदगढ़ गांव पड़ता है मेरा, उस गांव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। विकास का कार्य नहीं हुआ जी। मेरा नाम कंवरपाल है जी। चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी जी। क्यों बनेगी? क्यों बनेगी, इन्होंने काम कर रखे अच्छे। काम बताओ कुछ क्या कर रखा? क्या बेखौफ घूम रहे गांव में भी लोग। हाँ चोरी चकारी नहीं है। पहले ऐसा माहौल नहीं था? पहले ऐसा माहौल नहीं था, बदमाशी थी। बदमाशी थी। हाँ क्या लगता है चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार? अखिलेश जी क्यों आएंगे? काम तो होगा जो पसंद आ रही है। 5 साल के गरीब तब भी अखिलेश जी आएंगे। सलीम भाजपा को 5 साल प्रदेश में हो गए, कैसा रहा आपके अनुसार? सही रहा। सही कैसा रहा? बस सही है, महंगाई बढ़ रही है बस। बस महंगाई बढ़ रही है वैसे और कुछ नहीं। हाँ सब कुछ सही। क्या है फिर? महंगाई को रोको और कुछ नहीं रोको, सरकार भाजपा की आएगी दोबारा फिर। तो महंगाई आप कह रहे हैं महंगाई है? महंगाई है भाई, सरकार में कुछ की दिक्कत नहीं है। महंगाई तो बढ़ी बढ़ेगी। महंगाई है जो जनसंख्या बढ़ी, तो मतलब जो है महंगाई तो होनी होनी है। बिल्कुल। चुनाव में क्या होना चाहिए फिर इस बार? चुनाव तो वही रहेगा जो है फिलहाल मौजूदा है। मौजूदा है। हाँ योगी जीतेगा। बीजेपी आनी है हर सूरत में। बीजेपी आनी है बिल्कुल पक्का। सो के सो। क्या नाम है जी आपका? परमान। क्या लगता है क्या होना चाहिए चुनाव में? बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी क्यों जीतेगी, कारण तो बताओ। विकास करा जी, सबको पैसे दिए, 2.5 लाख रुपए मकान बनवाए। इसलिए नाम है आपका? मेरा नाम भारत भूषण है। भारत जी क्या करते हैं आप? मैं आइसक्रीम की फैक्ट्री चलाता हूँ। सब कुछ सही चल रहा है सरकार में? हाँ सब बढ़िया चल रहा है जी। क्या लगता है 5 साल में सरकार क्या सफल रही है आपके अनुसार? एक तो गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होगी। हाँ। सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। हाँ। और जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो लगभग 20,000 का मैं डीजल फूकता था प्रत्येक वर्ष। हाँ। जब से सरकार आई है मेरा 1 रुपये का भी डीजल नहीं लगा आज तक। लगभग 20 से 22 घंटे लाइट की सुविधा है। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है, महिलाएं सुरक्षित सड़क पर चल सकती हैं। और हिंदुओं के जो मान बिंदु हैं, हाँ। यहाँ पर कई ऐसे मामले थे जहाँ दूसरे समुदाय का अवैध कब्जा था और कागज़ हमारे नाम थे, तो उन मान बिंदुओं पर सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया। कब्जाधारी जो वगैरह, हाँ, तो अवैध कब्जे सभी हटे हैं। जी क्या लगता है चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार? जो कि सरकार रिटर्न करेगी। विधायक जी कैसे रहे वैसे? विधायक जी की स्थिति मजबूत है और पिछली बार से भी अधिक मतों के साथ जीतेंगे। पिछली बार मुस्लिम समुदाय के वोट कम मिले थे, इस बार आंकड़ा बहुत ज्यादा रहने वाला। सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी क्या करते हैं आप? खेती। खेती करते हैं, किसान हैं आप। क्या लगता है भाजपा सफल रही है नहीं रही किसानों के लिए? नहीं सफल तो रही, बस थोड़ी दिक्कत या पेमेंट की आई नहीं, और तो मौज मौज है सारी। और तो पेमेंट की दिक्कत है ज्यादा। क्या लगता है चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार? बस देखो तो जनता का मूड है भाई, कौन आपका क्या मूड है? बस हम तो कहे यही सरकार ठीक है, बस यही सरकार ठीक है, बस पेमेंट टाइम पर आ जाए। हाँ पर पेमेंट आ जाए बस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।